सर, जैसा सर आप जानते ही हैं सर, मैंने बताया आपको कि मैं कंपटीशन की तैयारी कर रहा था सर। मैं तो मैंने सर सेल्स में कभी था भी नहीं सर मैं, और मुझे प्रोडक्ट बेचना नहीं आता है सर, लोगों को कन्विंस करना नहीं आता है सर। सर मैं फिर कैसे सर? यानी आप कह रहे हैं कि आपका बेसिकली सेल्स का बैकग्राउंड नहीं है, सामान बेचने वाले का बैकग्राउंड नहीं है, तो आप ये बिजनेस कैसे करेंगे? तो जी सर, बिल्कुल सर। पहली बात मैं आपको कहूंगा कि आपके मन की जो शंका है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि जब यहाँ प्रोडक्ट बिकेगा, हम आगे बेचेंगे तो ही हमें बेनिफिट आएगा, तो ये शंका सही है। बट इस बात को मैं आगे समझाऊं, इससे पहले मैं आपके साथ एक बात करना चाहता हूं आशीष। लेटेस्ट में आपने अभी कोई अच्छी और बढ़िया, बहुत अच्छी कोई मूवी देखी है जो आपके दिमाग में हो? सर एक मूवी है सर जो मैंने देखी थी, पूरी सर, पूरी द सर्जिकल स्ट्राइक, ये मैंने देखी है सर, काफी अच्छी मूवी है सर। याली क्या बात है, वेरी नाइस, मैंने भी देखी है। तो ये मूवी आप जब सिनेमा हॉल पर देख के आए आशीष, आपको बहुत बढ़िया लगी मूवी, तो बिल्कुल सर, बहुत अच्छी लगी सर मूवी है मूवी देख के आने के बाद आपने क्या किया? सर। मूवी मैंने देखी, मैं अपने घर गया, मैंने अपने दोस्तों को, अपने परिवार में, अपनी माता जी को, भाइयों को, सबको बताया मैंने कि मूवी कितनी अच्छी है, उनको भी एक बार जरूर देखनी चाहिए। मतलब कैसे सर, एक इंडिया, हमारी इंडियन आर्मी ने सर कैसे सर्जिकल स्ट्राइक किया सर, पर काफी अच्छा लगा सर देखने के बाद ना सर वाला। मुझे मैंने सर अपने सभी दोस्तों में सर शेयर किया सर, और उनको ही बोला कि आप भी देखें एक बार जरूर, आपको भी अच्छा लगेगा जरूर। बिल्कुल आशीष, जो आपने किया वो मैंने भी किया। जब मूवी देखा तो मुझे तो लग रहा था कि काश मुझे मौका मिलता इस देश के लिए कुछ कर गुजरने का, और मैंने एक एक अपने दोस्त को बोला कि जितना बढ़िया काम सर्जिकल स्ट्राइक उरी के अंदर हमारे देश के नौजवानों ने किया है, हम तो नहीं देख पाए, लेकिन इस फिल्म के माध्यम से तुम लोग जरूर देख के आओ। सेम काम मैंने भी किया। यानी आशीष, कहीं ना कहीं हमारे कहने पर कुछ लोग फिल्म देखने गए, बिल्कुल बिल्कुल गए सर। गए ना। चलो ये तो हुआ। अभी आशीष आपके पास टू व्हीलर है कुछ? है सर मेरे पास होंडा की एक्टिवा है सर मेरे पास। होंडा की एक्टिवा है आपके पास? तो मुझे एक बात बताइएगा, जो टीवी पर एड आता है होंडा की एक्टिवा का, उसको देखकर आपने ये स्कूटी खरीदा या फिर कैसे खरीदा? मतलब क्या एड को देखकर आपने खरीदा? नहीं सर, एड को देखकर तो नहीं खरीदा सर। ऐसा सर इसके क्यों? सर ऐसा इसलिए सर, क्योंकि सर टीवी पे तो बहुत सारी चीजें आती ही रहती हैं सर, चाहे यस, हर अच्छी कंपनी हो अपनी या ऐड ना करती हो, बिल्कुल सर वो आती ही रहती है सर। बट है। सर एक्टिवा खरीदने के पीछे सर जो मेरी वजह थी वो ये थी कि सर जो भी मेरे जानने वाले थे, जिनसे मैं सलाह लेता हूँ सर, मेरे दोस्त, मेरे करीबी सर, उन लोगों ने सर बताया, वो लोग पहले भी एक्टिवा यूज कर रहे हैं सर, तो काफी अच्छी है सर वो, मतलब अच्छी गाड़ी है सर, तो इसलिए मैंने सर उन लोगों के रिकमेंडेशन पे सर मैंने सर वो लिया, और मुझे फील भी हो रहा है सर वो अच्छी है सर। बिल्कुल आशीष, ऐसा एक उदाहरण मैं भी तुम्हारे साथ शेयर करता हूं। मैं अभी दिल्ली में हूं और मेरे पास पहले से कई गाड़ी थी, लेकिन एक गाड़ी मुझे और खरीदनी थी, तो मैंने टाटा की नेक्सॉन गाड़ी लेने के लिए सोचा। दिल्ली के अंदर टाटा कंपनी की गाड़ियां कम लोग पसंद करते थे, मैं बात करूं आज से साल 1.5 साल पहले तक, क्योंकि दिल्ली में, मुंबई में, महानगरों में ना अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है। तो वो लोग, मेरे दोस्तों ने बोला तू टाटा ही गाड़ी लेगा, तू टाटा की गाड़ी लेगा। मतलब ऐसे लग रहा था कि पता नहीं मैं कौन सी गाड़ी ले रहा हूं। लेकिन जो मेरे कुछ दोस्त झारखंड में थे, बिहार में थे, जो मेरे नजदीकी दोस्त थे, उन लोगों ने गाड़ी खरीदा था, जैसे आलोक ने खरीदा था, संजीत ने खरीदा था, उन लोगों ने बोला कि भैया ये बहुत औसम गाड़ी है। मैंने गाड़ी में बैठ के भी नहीं देखा, लेकिन उनके मुंह से मैंने तारीफ सुनी थी, और भी कई लोगों के मुंह से तारीफ सुनी। इसका नतीजा ये निकला, मैं आपको बताता हूं, ये गाड़ी मैं शोरूम में खुद लेने तक नहीं गया। मुझे उनके कहने पर इतना भरोसा हुआ कि मेरे घर से मेरी फैमिली गई थी गाड़ी लेने, मैं गाड़ी लेने तक नहीं गया। मैंने गाड़ी का डेमो भी नहीं लिया। उनकी औपचारिकता थी कि ऑफिस आके उन्होंने डेमो दिया, वो इसलिए क्योंकि मेरे दोस्तों ने तारीफ करी थी। यहां पर मुझे बताना
क्या मेरे दोस्तों ने मुझे टाटा नेक्सॉन लेने के लिए कन्विंस किया क्या? नहीं सर। तुम्हारे दोस्तों ने तुम्हें एक्टिवा लेने के लिए कन्विंस किया क्या? नहीं सर। क्या तुमने अपने दोस्तों को जब पूरी मूवी देखने के लिए बोला तो क्या आपने उनको कन्विंस किया क्या? नहीं सर, मैंने बिल्कुल नहीं किया। जिंदगी में क्या होता है आशीष, जब कोई चीज हमें अच्छी लगती है तो हम दूसरों को उसकी तारीफ करते हैं कि चीज बहुत अच्छी है, आप भी इसका इस्तेमाल कीजिए। माय डियर फ्रेंड, जैसे हम में से किसी ने हमको कन्विंस नहीं किया या हम किसी को कन्विंस नहीं कर रहे हैं, ये काम हम बचपन से करते आ रहे हैं कि कोई चीज अगर हमें पसंद है तो हम उसकी तारीफ करते हैं और वो चीज आगे लोग खरीदते हैं हमारी रिकमेंडेशन पर। अगर कोई हलवाई हमारी बहन की शादी में आया और उसने बहुत अच्छा खाना बनाया, हमारे अड़ोस पड़ोस में जितनी शादियां प्रोग्राम होगा, हम उस हलवाई को बुलाएंगे कि नहीं बुलाएंगे? बुलाएंगे सर। ऐसे सैकड़ों नहीं हजारों एग्जाम्पल हैं जो बचपन से हम रिकमेंड करते हुए चले आते हैं। तो दोस्त, यहां पर भी हमारे जो प्रोडक्ट हैं वो बहुत क्वालिटी प्रोडक्ट हैं, बहुत बढ़िया प्रोडक्ट हैं। खाली एक बार आपको खुद इस्तेमाल करना है। जब इस्तेमाल करोगे तो आपको उसकी खासियत पता चलेगी। खासियत पता चलेगी तो आपको खाली दूसरों को बताना है। खाली दूसरों को बताएंगे और वो आपसे सामान लेने लग जाएंगे। इस प्रकार से आपको किसी को कोई कन्विंस नहीं करना होगा। चीज अच्छी है वो अपने आप अगला ऑर्डर आपसे लेती चली जाएगी और जब ऑर्डर लेगी लोगों को बढ़िया लगेगा तब आप उन्हें कहोगे कि हमारे यहां ज्वाइनिंग फ्री है, सिर्फ एक फॉर्म ही तो भरना है। क्या वो लोग फॉर्म भरेंगे कि नहीं भरेंगे? भरेंगे सर। वो लोग फॉर्म भरेंगे, वो भी फ्री डिस्ट्रीब्यूटर बनेंगे, बाद में ट्रेनिंग लेंगे और ग्रो करेंगे। तो क्या आपको लगता है यहाँ पर कन्विंस करना पड़ेगा किसी को? नहीं सर, कन्विंस नहीं करना पड़ेगा। यहाँ वही काम करना पड़ेगा आशीष जो हम शुरू से करते आ रहे हैं। बिल्कुल सर। ठीक है आशीष। बिल्कुल सर, थैंक यू सर। मतलब सर मेरे मन में सवाल था ये वाला कि कैसे सेल करूंगा, कैसे लोगों को कन्विंस करूंगा, बट सर मुझे लग रहा है सर इतना भी कठिन नहीं है सर, आसान है सर, मैं कर लूंगा सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। गुड,